भट्टे वाली गली, पुष्कर रोड, गौरव पथ आदि कई स्थानों पर झील के पानी में लगातार मिट्टी डालकर जो कृत्रिम जमीन तैयार की जा रही है उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अतिक्रमणी स्वयं को जमीन का खातेदार बताते हैं। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. एक हिस्से पर प्राचीन बारादरी निर्मित है तथा गत वर्षों में कुछ हिस्सों पर पाथवे का निर्माण कराया गया है। शेष हिस्सों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाथवे का निर्माण प्रस्तावित है। झील के किनारे जहां पर अभी तक पाथवे का निर्माण नहीं हुआ है वहां पर पिछले लंबे समय से अतिक्रमणों द्वारा डंपरों के माध्यम से पानी में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मिट्टी डालकर जमीन तैयार कर उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। जी माल के पास देवनारायण मंदिर के पीछे भट्टे वाली गली, पुष्कर रोड, गौरव पथ आदि कई स्थानों पर झील के पानी में लगातार मिट्टी डालकर जो कृत्रिम जमीन तैयार की जा रही है उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अतिक्रमणी स्वयं को जमीन का खातेदार बताते हैं। जब उक्त क्षेत्र स्पष्टतया झील के डूब क्षेत्र में आता है तथा जहां तक पानी भरा हुआ है वहां पर कोई भी निर्माण अनुमत नहीं है। झील में मिट्टी डालकर किए जा रहे कब्जे के प्रयासों को रोकने में न तो नगर निगम न ही जिला प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रि के समय झील के किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने वाले डंपरों के विरुद्ध पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। जब कभी मीडिया में इसे लेकर कोई खबर सामने आती है तो प्रशासन केवल खाना पूर्ति करता है परंतु आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई कि झील में कब्जों के प्रयासों पर रोक लग सके। प्रशासन द्वारा इस संबंध में बरती जा रही उदासीनता के कारण झील का स्वरूप बिगड़कर सिकुड़ता जा रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर में स्थित ऐतिहासिक अनासागर झील के पानी में मिट्टी डालकर किए जा रहे कब्जों के प्रयासों को तत्काल रोकने के क्रम में प्रभावी कार्रवाई कराते हुए अतिक्रमणों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई कराई जाए। साथ ही प्रस्तावित पाथवे निर्माण से पूर्व सभी कब्जों को हटवा कर ही पाथवे का निर्माण प्रारंभ हो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराकर